तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रियलमी XT के साथ रियलमी 5 प्रो बैटरी डेन टेस्ट। तो बैटरी के मामले में रियलमी XT तो आगे चला गया क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड है। रियलमी XT और रियलमी 5 प्रो अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया सेम है, बैटरी दिया गया सेम है, सारे चीज़ें यहाँ पर दिया गया सेम है। सिर्फ रियलमी XT का जो कैमरा है, कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और इसका जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको पता ही है, बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम करता है और बैकअप बहुत ही ज़्यादा है। तो जब मैंने टेस्ट किया था रियलमी 5 प्रो, लगभग 7 आवर 35 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम दिया था और रियलमी XT आपका लगभग 11.5 आवर्स दे दिया था। तो दोनों में ही आपको भूक चार्ज सपोर्ट करता है, दोनों में ही भूक चार्ज 3.0 है और 4 एम्पियर का चार्जर दिया गया है जो कि 18 वाट। तो दोनों का बैटरी भी सेम है। तो अब हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको बैटरी चार्जिंग टेस्ट। तो बैटरी ड्रेन टेस्ट तो हो गया, अब 0 से 100% उठने में कितना टाइम लगाता है तो हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोनों का सेम चार्जर है, सब कुछ सेम है और दोनों में पावर ऑफ करके हम लोग इसको ट्राई किया था। और ट्राई करने के बाद आप देखो कितना टाइम में ये चार्ज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैं हूं देख रहे चैनल TechnicalMD। तो चलिए देख लेते हैं रियलमी XT के साथ रियलमी 5 प्रो का बैटरी चार्जिंग टेस्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे गिवअवे चल रहा है रियलमी वायरलेस बार्स का। अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो, हो सकता है ये वायरलेस बार्स आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं चार्जिंग टेस्ट। तो दोस्तों, ये देखिए दोनों भूक चार्ज एक साथ लगा हुआ है। ये है रियलमी XT और ये है आपका स्टॉप वॉच और ये है आपका रियलमी 5। तो दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले चार्जिंग का जो केबल है वो कनेक्ट करते हैं यहाँ पर कनेक्ट, और कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं और इधर मैंने स्विच दे दिया। स्विच देने के बाद देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का लाइट आ गया है। तो अब ये चलता रहेगा कितना टाइम पे ये होगा, तो अब ये चलता रहेगा और बारीक बारीक में आके आपको हम दिखाएंगे। तो देखो दोनों का 1% हो गया 17 सेकेंड के अंदर 1%। रियलमी XT का हो गया 31% और 19% हो गया रियलमी 5 प्रो का। तो पहले 20 मिनट में 30% दे दिया XT और ये 19। तो देखते हैं नेक्स्ट पड़ाव कितना होगा। तो दोस्तों, 45 मिनट बाद अगर हम चेक करें रियलमी 5 प्रो 41% और रियलमी XT होगा 72%। तो रियलमी XT बहुत ही आगे चला गया फर्स्ट 45 मिनट में। तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड करते हैं हम वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो 1 घंटा बाद अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 प्रो में हो गया 54% और XT में हो गया 91%। तो 1 घंटे में 91% हो गया XT में। तो XT बहुत ही आगे चला गया, देखते कब कंप्लीट होता है XT का। 1 घंटा 14 मिनट बाद XT का 97%, रियलमी 5 प्रो का 66%। तो बहुत ही ज़्यादा आगे है रियलमी XT यहाँ पर। तो देखते कब कंप्लीट होता है रियलमी XT। रियलमी XT तो पहले ही कंप्लीट कर पाएगा लेकिन कब होगा वही सिर्फ देखना है यहाँ पर। 1 घंटा 20 मिनट बाद रियलमी XT 99% और यहाँ पर रियलमी 5 प्रो 71%। तो 90 हो जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देखिए 99% ही चल रहा है रियलमी XT का। तो अब 1 आवर 29 मिनट हो गए, अभी रियलमी XT 100% कंप्लीट कर पाएगा। ये देखिए 100% कंप्लीट यहाँ पर हो गया। तो लगभग 1 आवर 30 मिनट में रियलमी XT कंप्लीट कर लिया है 100% चार्ज, यानी कि फुल। तो इसमें लैप करते हैं और फिर हम दिखाते हैं रियलमी 5 प्रो में फाइनली कितना टाइम में ये कंप्लीट कर पाता है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा और स्पीड कर दें। तो 1 घंटा 29 मिनट हो गया रियलमी XT का फुल चार्ज।
तो दोस्तों यहाँ पर 2 घंटा के बाद रियलमी 5 प्रो का देखा जाए अभी भी 96% चार्ज यहाँ पर हुआ है, तो अभी भी टाइम लगेगा 100% होने में। तो कितने टाइम में कंप्लीट होता है वो हम चेक करते हैं। तो 2 आवर 19 मिनट में 99% कंप्लीट कर पाया रियलमी 5 प्रो ने। 100% होने में अभी भी टाइम लगेगा, 99% होने के बाद बहुत ही टाइम यहाँ पर लगता है। तो हम चेक करते जाते हैं कब तक कंप्लीट होता है। तो 2 आवर 34 मिनट हो गया और अभी 100% कंप्लीट यहाँ पर कर लिया। तो दोस्तों यही था बैटरी चार्जिंग टेस्ट। तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट में रियलमी XT कंप्लीट कर लिया था 0 से 100% चार्ज। और यहाँ पर सेम चार्ज करने के लिए रियलमी 5 प्रो को लगा 2 आवर 34 मिनट, तो लगभग 2.5 घंटा रियलमी 5 प्रो में लगा। तो रियलमी XT बहुत ही अच्छा चार्ज यहाँ पर ले रहा है। और सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर 99 से 100 जाने के लिए दोनों का ही लगभग 10 से 15 मिनट लग रहा है। रियलमी XT में हमने जब देखा था तो 1 आवर 24 मिनट से लगभग 5 मिनट लगा 99 से 100 होने के लिए। और रियलमी 5 प्रो में भी बहुत टाइम लगा 99 से 100 होने के लिए। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा बैटरी चार्जिंग टेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया था प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इतनी, बाय।